गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज थर्ड मैच हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस अफ्रीका का। तो ऑस्ट्रेलिया वही पिच वही स्टेडियम वही मैदान आ गए हम ग्राउंड में। मैंने साउथ अफ्रीका का नहीं चेंज करा, पहले T20 वाला ही रखा है लाइनअप। पाकिस्तान का भी वही रखा है मैंने। यासिर शाह ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, 2 विकेटें लेके दी थी, उन्हें मैंने रखा है। और मलिक आए हैं, हाँ मलिक आए हैं, और हाँ शुएब मलिक आए हैं, और मैंने किसे निकाला है पता नहीं। और ये कोई नया बॉलर है उमर खान नहीं यू खान, पता नहीं ये उमर है या फिर अमार खान है। देखते हैं कि इसने कितने मैचेस खेले, 15 मैचेस। फिर कौन है ये अमीर उमर अमीर है, लेकिन अभी चेक हो जाएगा। हाँ कोई नहीं, जो भी है यू खान चेक करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो ये देखते हैं परफॉर्मेंस कैसे देता है यू खान। न्यू नहीं, 13 मैचेस 15 खेले हुए हैं, 13 विकेटें भी हासिल करी हैं। और एक्शन भी गेम में बहुत आला है इसका। मिचेल स्टार्क को स्टार्ट कराते हैं और देखते हैं कितना बड़ा बॉलर है ये। ओ गलत बॉल, पेस इसकी पेस चेक करनी है मुझे। मैक्स पेस 139 है। बाउंसर करा है भाई, यॉर्कर लड़के से कराते हैं। बड़ा मुझे एक्शन के हिसाब से तो बहुत कमाल लगा है, और अभी तक जो बॉलिंग करी है ऐसी तो शहीन अफरीदी भी नहीं कर सकता गेम में। इन स्विंगर्स भी बहुत आला है, आउट स्विंगर्स भी, स्ट्रेट बॉल भी, इसकी फास्ट डिलीवरी भी। ओह एज निकाली, एज ने रूम दिया है रूम लेकिन अभी तक अच्छा है ये पास। एक्शन पेस तो नहीं, एक्शन और स्पीड के मामले में, स्पीड भी नहीं, एक्शन और इकोनॉमी के मामले में, हाँ ये हो सकता है। पास 5 रन दिए हैं इस। और हसन अली, ये हसन अली भाई जान फुल जान है पाकिस्तान की, शहीन ने भी विकेट ले ली। ये उमर खान को कराओ यार, इससे कंटिन्यू कराओ, इससे देने हैं 4 ओवर। मतलब ये एक अच्छा टैलेंटेड बॉलर लग रहा है, पता लगे कोई और ही हो। यू खान कौन हो सकता है, एक उमर खान है लेकिन वो तो स्पिनर है, पक PSL खेलता है। तो 6 मार दिया, एक बॉलर को बख्शा नहीं है इस बैटिंग। अच्छा बॉलर बेचारे का कम बैक कराया मैंने तो 6 मार दिया। मैक्स 139 का बॉल करा रहा हूँ पेस का, ये वाला जो है। और एक और छक्का भाई जान, ज्यादा तारीफ कर दी मैंने, क्यों करी यार इसकी तारीफ, छक्का ही पड़ गया डायरेक्ट। इकोनॉमी जो 5 का था वो 10 का हो गया एकदम से, मतलब कुछ भी बॉल कराया और रुक गया। विकेट लेनी है नहीं तो अपना निकाल लूंगा मैं अगले मैच में, मैं तो वैसे देखने के लिए करा है। लेकिन ये तो अपना पहला ओवर अच्छा डाला तो अगला ओवर इसने खराब। भाईजान ऐसे नहीं चलेगा, पाकिस्तान टीम है। कराओ ओवर लेकिन देखो इसे कितनी इकोनॉमी देता है, इकोनॉमी अच्छी है तो फिर रखो, नहीं तो आप जा सकते हैं। नहीं जी सिक्सर खा लिया, अब सोचूंगा मैं इसके मामले में।
ऑटो प्ले करते हैं फिर देखते हैं क्या करता है ये। यासर शाह अपना पक्का है यार। मालिक आय 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 शाह के आवर हो गए भाई, पीटा है सारों को। यू को दो यार इसको, ये यू खान ये लो ऑटो प्ले लो। नहीं ली इस यू खान ने विकेट, वो 11 का हो गया उसका। हसन अली से मैं बोल करता हूँ थोड़ा बहुत, थारा भाई जोगिंदर बॉलिंग करने आ गया हसन अली के साथ। वो सिक्स मार दिया भाई, प्रेशर बिल्ड कर रही है अफ्रीका की टीम। मैच में 150 मारा था, इसमें ये 200 मारेंगे मुझे लग रहा है, और मारे तो अच्छा है। तेज बोल हसन अली का, एक और सिक्सर भाई, पागल हो गई है अफ्रीका की टीम। 6 पे 6 पहले उमर खान, नहीं यार यू खान, अब ये हसन अली। क्या बात है भाई, मतलब कुछ भी हो रहा है इधर। रिवर्स में हसन अली का, इस गेम की ताकत है इनकी, ये पावर की सुपर पावर है ये यार। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। अपना 3 छक्के हसन अली को, ये मुझे सही नहीं है इस, ये परफेक्ट बॉल है लेकिन लाइन थोड़ा सा बाहर है भाई, पीछे हुआ और हिट करा। क्या ये कैच है या फिर छक्का है? वन बाउंस हैदर अली के पास। मैंने शुएब मलिक को हटाया, मुझे याद आ गया सरफराज अहमद को जो मैंने उनकी जगह मैंने खिलाया, उनके वो भी गोल्डन डक लेके गए थे और मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने निकाल दिया उन्हें। भाई जान ये कोई रोको इन्हें, ये भाई एक दूसरे का बदला ले रहे हैं। यानी पहले उसने उसे मैंने बीट कराया, कैच के करीब था वो बॉल, तो उसने मिलर ने भी उसका बदला लेना शुरू कर दिया। मिलर किलर भैया, ने किलर बहुत बड़ा है, उसे लाइट नहीं लेने का। और अब जो है बॉल दूंगा मैं यू खान को। यू खान अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप अगले मैच से अपने घर चले जाओ, क्योंकि हम आपको नहीं रख सकते। हम अपनी टीम में कोई सुहेल तनवीर वगैरह ऐसे बड़े बॉलर्स लाएंगे। हाय 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 भाई जान, फुल अटैकिंग चल रही है यहाँ पे। से मैंने बॉल डाला स्लोवर, इस बॉल पे विकेट चाहिए। विकेट क्या बेटा जी, छक्का खाओ आप। अगले मैच से यू खान नहीं खेलेंगे, बस बहुत हो गया। कमबैक मैच में अपने छक्के खा रहे हैं ये बॉलर। फील्डिंग डिफेंड वन, आप मारो चौका मारो या छक्का, आप मैं रोकूंगा। फुल तेज बॉल इसका, इसकी जिंदगी का सबसे तेज बॉल है। 139 ही है इसकी पेस, पेस के मामले में भी कम है। एक्शन अच्छा है, विकेट 2-3-2 ले दे तो सोच सकते हैं हम अगले मैच में, सोचेंगे नहीं तब तो कंफर्म रखेंगे। रन का इकोनॉमी का है, थोड़ा ज्यादा ही खा गई है। नहीं भाई नहीं, अब ये मुझे अगली 4 बॉलों पे 4 विकेटें भी ले दे, नहीं नहीं नहीं, बस बहुत हो गया। अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैंने क्या कहा था, बहुत हो गया।
एक और छक्का मार दिया, 200 के अप हो गए। अब मैं अगला ओवर एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, स्पिनर कराऊंगा अगला ओवर इमाद उसी। ओए ये 54 चार ओवरों में 24 बॉलों पे। इमाद उसी यार, इमाद उसी भी नहीं खिला पाया। अब मोहम्मद नवाज से कराते हैं एक्सपेरिमेंट, और मिलर द किलर को अब बॉलिंग नहीं है अभी करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा मार रहे हैं मिलर द किलर। नहीं भाई, यहाँ पे हर कोई छक्के मार रहा है, मतलब जिसका दिल करे आके छक्का मार दे। यार क्या हो रहा है यार, यहाँ पे ड्रिफ्टर डालते हैं, तो थोड़ा सा आगे डालना चाहिए था ताकि डायरेक्ट घूमे और ये थोड़ा सा वो इरिटेट हो उससे। रिफ्रेश, ये ड्रिफ्टर डाला है मैंने इसके पास, मतलब यार मजाक हो रहा है यार, इतने छक्के दूरी मार सकता कोई भी। स्पाइडरमैन को आप लेके आ जाओ, कहो भाई जान स्पाइडरमैन भाई आए और छक्के मारे, वो भी कहेगा भाई मैं हाथ 5 मार लेता हूँ, 4 मार लेता हूँ, या फिर मुझे हैदर अली को खड़ा कर दो, वो भी 6-8-10 ही मारेगा। लेकिन यहाँ तो मजाक हो रहा है, नहीं मारो नहीं भाई, मजाक हो रहा है इतना तेज। अब ये बॉल रोकना होगा, लेकिन नहीं उस पर भी भाई छक्का पड़ेगा, नहीं वरना एक रन, मिलर द किलर को 50 करने का मौका दे भाई जान, छक्का मार छक्का। ऑफ स्पिन, क्या पता इस पे छक्का हो, क्या पता इस पे विकेट हो, क्या पता छक्का ही है, क्योंकि अफ्रीका की टीम इस टाइम छक्कों को ही देख रही है, उन्हें विकेट और चौके ग्राउंड शॉट से कोई मतलब नहीं। 50 हो गए 24 बॉलों पे, बहुत अटैकिंग, बहुत 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 बड़ा चेस। अब हैदर अली और मोहम्मद रिजवान ही कुछ कर सकते हैं, ये दोनों के पास ही पावर है कि ये लोग कुछ करें। हैदर अली का भी स्ट्राइक रेट डाउन हुआ है, उन्होंने पिछले मैच में स्कोर नहीं किया था, क्या पता शायद किया, हाँ 80 के करा था, 80-90 सिंगल लेते हैं पहली बॉल पे। ओए इस पे डाइव मार के इसने कर लेना था कैच, आसान था इसके लिए। ओए रिजवान, रिजवान ने पहले मैच में 50 मारा, तो उसके बाद रिजवान भी हल्के पड़ गए हैं। लो जी रिजवान जी आप आउट हो गए हो, एक बॉल पे 2 स्कोर मार के रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान, वो कप्तान जो इतना चला नहीं अभी तक इस सीरीज में, नॉट इन रियल लाइफ, रियल लाइफ में इससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है आज तक देखा मैंने। क्या रियल लाइफ असल में अपना तब्रेज शम्सी नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, बाबर आजम भी आउट 22 पे, अभी 49 पे खेल रहे हैं हमारे प्यारे फ्यूचर स्टार हैदर अली, फ्यूचर स्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ओ भाई यहाँ तो अपना बहुत ज्यादा जो है मुश्किल हो रहा है खेलने का, क्योंकि अपना पिच फैलाई ये स्कोर चेस करना भी बड़ा है हमें, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। बॉलर भी
बॉलर भी इन्होंने डाला हुआ है जो अपना जिसके पास इतना पेस नहीं है, इस बॉल को मैं खींच के मारने की इतना खींचूंगा बॉल को कि इतना खींचा किसी ने नहीं होगा यार। चौका, बॉल पे थोड़ा टाइमिंग मिस हो गया था तो इस बॉल को मैंने खींच के मारना था, खींच के शॉट खींचना था और देन हिट द बॉल टुवर्ड्स द स्क्वायर लेग फॉर अ बाउंड्री। ये बॉल खेलने का नहीं है भाई। ओए ओए ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई जिस रिव्यू लो भाई रिव्यू, बहुत बड़ा विकेट होगा हुआ तो। ये प्लेयर जो फॉर्म में है गलत शॉट की वजह से पुश लेना था। ओए यार आजकल क्या दिन है। ओए 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 पैड लगा है, पैड तो लगा ही लगा है भाई, क्या देख रहे हो पैड लगा है। ओए बाहर निकल जा, इंपैक्ट इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ, किस्मत इंपैक्ट भी आउटसाइड ऑफ, सारा कुछ आउट आउटसाइड ऑफ बट विकेट हिटिंग है, हमें विकेट से मतलब नहीं है, इंपैक्ट का था और इंपैक्ट ही आउटसाइड ऑफ है। अब मारूंगा बेटे, अब तू आ मेरे सामने बॉलर, ए बॉलर छोड़ूंगा नहीं मैं प्रिटोरियस। कंप्लीट रिवेंज फ्रॉम हैदर अली, कंप्लीट रिवेंज। मतलब यार कोई भी आपको आके आउट करने की अपील कर देगा तो आप उसे छक्का मार दोगे यार, दो बल्कि लगातार दो छक्के एक ही बॉलर को। शमसी का गेम वाला करियर खराब चल रहा है। ऑटो प्ले, ऑटो 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 प्ले, ऑटो 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 भाई 91 पे। अब कोई गलती नहीं, कोई रिस्क नहीं लेने का, अब रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेने आ, रिस्क लेना है, रिस्क नहीं लेने का, अब नहीं रिस्क लेना भाई। ये बॉल है मारने का नहीं, ये बॉल है आराम से शॉट को पीछे को छक्का मारने का। क्या सेंचुरी होने वाली है हैदर अली की करियर फर्स्ट 100 नहीं फर्स्ट 10। मैंने सीरीज के शुरू में एक रिस्क लिया हैदर अली को लेने का टीम में और उन्होंने उस रिस्क को ऐसा साबित करके दिखाया एंड ही कंप्लीट हिज फर्स्ट 10 एंड 20 आईज क्रिकेट। क्या पूरा हो रहा है, क्या भाई साहब। मतलब मेरे शुरू में इनसे कोई उम्मीदें नहीं थी मुझे कि ये करेंगे और इन्होंने जो करके दिखाया है वो शायद आने वाला कोई भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक रिस्क लिया मैंने कि वैसे ही तुक्का मारा कि अपना यार क्या पता ये अच्छा प्लेयर हो। असल में इन्होंने 50 मारी थी अपने डेब्यू पे तो अपना जो है मैंने कहा चलो कोई नहीं ले लेते हैं, अच्छा प्लेयर है। फिर उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फॉर्म हो गए रियल में, मेरे दिमाग में था एक अच्छा प्लेयर है तो मैंने उन्हें लिया और उन्होंने जो करके दिखाया भाई मत पूछो। खुशी अब मैं शॉट जो लेने जा रहा हूँ वो भी छक्का है भाई, वो भी छक्का है। आई थिंक 5 6 इन अ रो मारे, क्या ये
ये ओवर खत्म हो गया है यार, देख नहीं पाया, तो क्या पता सिक्स सिक्स से जितना रो होते। पूरा रन रेट बैलेंस कर दिया इन्होंने। अब मलिक की बारी है, शोएब मलिक। और मलिक हिट अ सिक्स, व्हाट अ सिक्स फ्रॉम शोएब मलिक। भाईजान 38-17 बॉल पे, पॉसिबल है या नहीं? और क्या ही कैच है? नहीं 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 नहीं, दो रन दो रन। और डाइव मारना पड़ेगा शोएब मलिक को, और गलत कॉल, और पाकिस्तान एक बड़ा विकेट, एक एक्सपीरियंस विकेट गवा दिया। और यू खान, नहीं 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 भाई नहीं, ऊपर लाना पड़ेगा मुझे फहीम अशरफ को, राणा फहीम अशरफ और हैदर अली। ये दो बैट्समैन हैं जो इस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं, गेम पलट सकते हैं पाकिस्तान की साइड पे। और फहीम अशरफ ने उसे साबित करा, चौके लगा के चौका। और अब मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता, रिस्क जो है, क्योंकि अब गेम पलट रहा है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की तरफ। अब जो है 33 रन चाहिए सिर्फ और सिर्फ 15 बॉलों पे, अब गेम बनाना होगा। और दो रन दो रन दो रन के लिए भागा, तेज कॉल जनाब फहीम अशरफ, और डाइव मारी है हैदर अली ने, रगड़ते घिसकते वापस आए हैं, लेकिन क्या पहुंच पाए हैं? और इसका जवाब है जी हाँ, पहुंच पाए। और ये बॉल, इस पर खेलने का दिल तो नहीं है, लेकिन खेल लिया। और एक रन, गलती गलती गलती, नहीं हैदर अली रिमेंबर द नेम, व्हाट अ रनिंग फ्रॉम दिस बैट्समैन, क्या रनिंग करी है यार, क्या रनिंग करी है हैदर अली। बैटिंग तो आपने करी और एक रिस्की और मुश्किल रन भी लेके दिखाया। फहीम अशरफ ने अपना दिल स्कूप खेल दिया है, अपने पूरे दिल और जान के साथ चौके के लिए। पूरा वन साइडेड मारा है हैदर अली ने, फिर उसके बाद अपना बाबर आजम और अपना क्या नाम है इनका, हुसैन तल्लत, तो शोएब मलिक ने भी बहुत कोशिश करी। और अब फहीम अशरफ अटैक कर रहे हैं, हर साइड से अटैक हो रहा है। और अब पाकिस्तान की जीत जो है वो यकीनी लग रही है इस टाइम के ऊपर आके। और दो रन के लिए तेज रनिंग करनी होगी, दो रन और कंप्लीट करा फहीम अशरफ, राणा फहीम अशरफ, क्या तेज रनिंग है दोनों बैट्समैनों की। और थोड़ा सा रिस्क लेने का टाइम, और लिया और सिक्स। हैदर अली वो प्लेयर है जो आप रिस्क लो तो वो उसे साबित करके दिखाता है कि मैं कर सकता हूँ। पहले इन्हें टीम में लेने का रिस्क लिया, वो साबित करा कि सही था वो मेरा रिस्क। उसके बाद इन्होंने अच्छी रनिंग करी, रिस्क लिया मैंने इनके साथ रनिंग में, वो उन्होंने पूरा करा। अब मैंने छक्का लेने का रिस्क लिया तो वो भी पूरा किया। ये मेरे लिए इस गेम में इस टाइम पर नंबर वन प्लेयर है। अभी तक मैंने जितना भी ये गेम खेला है उसमें नंबर वन पे आएंगे ये हैदर अली, फिर बाबर आजम, फिर इमाद वसीम और फिर हुसैन तलत। और बीच में फहीम अशरफ ने भी अच्छा खेला है पीछे पीछे से। जब ये मैं गेम अभी नहीं खेल रहा, मैं एक साल नहीं 6 महीने से खेल रहा हूँ ये टुकड़ों टुकड़ों में। मैंने इतनी आईडीज भी चेंज करी हैं इस गेम को खेलते हुए। और बेस्ट प्लेयर्स हैं मेरे, 8 स्कोर चाहिए,
और मैं चाहूंगा कि फिनिश करें तो वो हैदर अली करें। और सिक्स करा है, जड़ा है फहीम अशरफ ने, राणा फहीम अशरफ, रिमेंबर द नेम। प्रेशर में से निकाला आप टीम को, दो रन रोकने आए हैं एक फारिक बॉलर, फारिक नहीं कहेंगे, सॉरी छोड़ा बॉल को, क्योंकि अपना थोड़ा बॉल देख के मारेंगे यार, नुकसान ना हो इस बॉल का। ओए होए होए, परफेक्ट लीव। ये बॉल है, लग रहा है, और नहीं लेने का, डायरेक्ट छक्का मार के फिनिश करेंगे। ऐसे नहीं कि पूरा इनिंग बर्बाद करा है, इतना टाइम आधा घंटा खेला है और अब नहीं यार, अब लेना ही पड़ेगा। खैर जो भी था अच्छा था, हैदर अली फिनिश इन स्टाइल विद द फोर रन्स एंड पाकिस्तान विद द गेम एंड लिफ्ट द सीरीज एंड लीड द सीरीज बाय 3-0। 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की लीड ले ली है, अब चाहे 2 मैचेस बाकी के साउथ अफ्रीका जीत भी जाए तो सीरीज अपनी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर और बाय बाय। एक सेकेंड, ये बॉलिंग कार्ड भी देख लें, इसमें कुछ देखने लायक नहीं है। फिलवाइको को बहुत मारा, बदला लिया बड़े विकेट्स जो लेता था अपना जो है, और ये जो अपना आखिरी ओवर करा है इसने प्रिटोरियस से भी बदला लिया, और नंबर वन बॉलर वर्ल्ड के तबरेज़ शम्सी से भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।